क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 7.6 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स स्क्वायर इंटू ई की एक्स क्यूब डी एक्स। तो यहाँ पर ये दो टर्म हैं लेकिन हमें इनमें जो है मल्टीप्लाई वाला यू इंटू वी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। यहाँ पर हमें जो है लेट करना है एक्स की क्यूब जो ई की पावर में है उसको टी, क्योंकि e की पावर में अगर सिर्फ x होता तो हम मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ x कोई पावर वगैरह है तो उसके लिए हमें उसे t लेट करना पड़ता है। तो यहाँ लेट करेंगे x क्यूब को t, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब 3 को डिवाइड में भेज देते हैं क्योंकि ऊपर हमारे पास x स्क्वायर और dx है सिर्फ, तो x स्क्वायर dx की वैल्यू आ जाएगी डी टी बाय 3। नाउ x क्यूब की जगह इसमें t पुट कराते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर t, और x स्क्वायर dx की जगह dt बाय 3 पुट कराते हैं तो ये dt बाय 3 जो है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं 1/3 की फॉर्म में। तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा इसमें चेंज हो गया 1/3 e की पावर t dt में। नाउ 1/3 तो कांस्टेंट है और e की पावर t dt का इंटीग्रेशन जो है e की पावर t होगा, जिस तरह से e की x dx का e की x ही होता है, तो ये e की t आ जाएगा प्लस में c। आप t की वैल्यू जो हमने लेट की थी x क्यूब वो पुट करा देते हैं इसमें 1/3 e की x क्यूब प्लस में c, ये हमारा आंसर है।